नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों में मणिपुर के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आई थी। राजधानी इम्फाल सहित चूड़ाचांदपुर और विष्णुपुर जैसे जिले यहां के नृजातीय हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन सवाल यह है कि 3 मई को अचानक पूर्वोत्तर भारत के सूबे में इतनी हिंसा क्यों शुरू हुई? हिंसा इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ कई जिलों में कर्फ्यू इम्पोज किया गया और आर्मी को संदिग्ध लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। दरअसल बात यह है कि यहाँ की कुल आबादी में 50% से ज्यादा मेईती कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जबकि इसके बाद कुकी और दूसरी ट्राइब्स भी बड़ी तादाद में हैं। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य सरकार को इस बात की मंजूरी दी कि वे मेईती कम्युनिटी के लोगों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में लाने पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन ने कड़ा विरोध जताया। विरोध दिखाने के लिए यहाँ बंद घोषित किया गया था, जिसके बाद ही यहाँ हिंसा बढ़ गई।